किंवा हा याच्यामध्ये कसं आहे ना अजून डिझाईन की याच्यामध्ये पहिलेच गळा कमीच आहे असं करून तर गळा कमी त्यांना मागून पण जास्त नाही ठेवलं त्याच्या याच्यामध्ये ठेवलं तरी चालेल एक असं येतो मागे असंच पॅक येऊन असं इथे ओपन पार्टीमध्ये मी आई थी यहाँ पर टेलर आंटी के पास यहाँ पर मैंने अभी अभी कपड़े ब्लाउज बहुत सारे सिलने के लिए दिए हैं और दशहरे से पहले मिल जाएंगे लकीली ये अच्छी बात है तो यही पर मैंने दिए कैनिका को बहुत सारी चीज़ें चाहिए क्या ले रही हो वो क्या चीज़ बॉल तो यहाँ पर मैंने दिया है ब्लाउज सिलने और यहाँ पर चल रहा है अनिका का शॉपिंग हो गया ये लो चलो खुश कितने दिनों के बाद मिला तुमको खुशी देखो कितने दिनों के बाद मोर देन 5 डेज के बाद अनिका को मिला और अनिका को खुशी हो गई है बहुत ज़्यादा तो आप हमेशा मुझे बोलते हैं ना कि मैं मंदिर नहीं आती हूँ मंदिर नहीं जाती हूँ तो देखिए आज ऐसा मतलब संयोग आया कि मंदिर भी होली में गई थी ब्लाउज सिलने उन्हीं के सामने देवी जी का दर्शन मुझे करने के लिए मिला बाय द वे हैप्पी नवरात्रि आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं इधर से चलिए दीदी इधर से हाँ और हाय आज मैंने अपने वीडियो में अभी तक किसी को हाय हेलो नहीं किया तो अभी कर रही हूँ हेलो कैसे हो आप सब बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में और बस ब्लाउज दे दिए हैं सिलने के लिए और दर्शन भी हो गया है अभी नहीं नहीं एक ही बार दिया बेटा एक ही बार अभी हम लोग अनिका के साथ साइकिलिंग करेंगे अनिका साइकिलिंग करती है मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ और इस समय शाम के 5:15 बज रहे हैं पीछे फिर साथ तो वही रोज़ का जो चलता है वही चल रहा है काफ़ी घर में चीज़ें चेंज हो रही है धीरे धीरे आपको पता चलेंगी तो मेरी जो बर्तन वाली दीदी है वो लेकर आई मुझे यहाँ पर उनको पता था कि कहाँ पर ब्लाउज सिले जाते हैं और इतने कम समय में कौन ब्लाउज देता है तो वो दीदी मुझे लेकर आई तो थैंकफुली मेरे ब्लाउज अभी मुझे दशहरे से पहले मिलने की संभावना है सिलेंडर का टेम्पो नॉइज और एक सिलेंडर का टेम्पो सारे सिलेंडर का टेम्पो यहीं से जा रहे हैं तो बोले आता है ना वो लाया बोले बाबा को लेके आए बड़े वाले को फिर खाई वो डॉक्टर उसको पैर वाले को थोड़ा सा कट करेगा और शायद पट्टी वगैरह करेगा ना बहुत पैसा लगा दीदी रोटी को वही आता है ना ये सूखने वाली दवाई वही ले लूंगी अभी मेडिकल उसको दिखाने का है उसको बहुत रात को उल्टी हुआ ना बेटे को बहुत तबियत सब अभी मेरे ऊपर दे दिए अरे घर की औरत पर ऐसे ही बहुत हालत खराब हो गया बच्चे लोग का भी मेरा
अकेले हो ना तुम करने वाली, इसलिए ज्यादा आ गया है। कोई नहीं, ये टाइम भी चला जाएगा, ये टाइम भी निकल जाएगा। कुटुंब बहुत है, ये इधर वासी में कुटुंब बहुत है, पहचान वाले अपने ही सब। तो उसी से मैं तो पहचान होती है सब। तो नहीं किसी के पास भी इधर आया ना, सही बात है, पैसा कोई देगा क्या? मैं वो देने वाली थी पर फिर उसने बोला कि ज्यादा नहीं देगी, तो मैंने फिर रख लिया, चलो इसको रख देते। तो घर पर आई हूँ और थोड़ा सा रेस्ट, पानी वगैरह पी लेते हैं, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। और हर किसी की लाइफ कैसे चल रही है आपको पता ही, मतलब अपने अपने हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसे सॉर्ट आउट करना हर कोई चाहता है। बस हिम्मत दे सकते हैं आप, और कुछ हो सकता है तो कर ही सकते हैं, पर हिम्मत देने से एटलीस्ट हौसला वो होता है कि हाँ हम भी कर लेंगे, ये दौर भी गुजर जाएगा। जैसे जो डोमेस्टिक हेल्प होती है उन्हीं से ये सारी चीज़ें ज़्यादा पता चलती है कि क्या चल रहा है, कैसे कैसे दौर से हर कोई गुजर रहा है। चलो मैं भगवान से प्रार्थना यही करूँगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स है या जो भी मेरे साथ है, जुड़े हुए हैं मेरे से, उन सबकी लाइफ में देवी माँ हर वो खुशी दे जिसके वो हकदार है, हर वो चीज़ें हो उनके साथ जो होनी चाहिए, सबकी लाइफ बेस्ट रहे, अच्छी रहे। चलिए अनिका को साइकिल खिलवा कर लाते हैं, नहीं तो फिर मम्मी साइकिल, मम्मी साइकिल। उसी बहाने आजकल मैं भी थोड़ा सा वर्कआउट कर ले रही हूँ। फाइनली मुझे 12 घंटे के लिए एक बहुत ही अच्छी आंटी मिली है, बहुत अच्छी। अभी तक मतलब 3 दिन से मेरे यहाँ पर, 1 तारीख से काम कर रही है और आज तो 3 तारीख है, तो 3 दिन ही हुआ है अभी तक, तो काफ़ी अच्छा लगा है उनके साथ। आगे तो नहीं पता, धीरे धीरे ही सब कुछ चीज़ें पता चलती है, पर अभी तक सच्ची में बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और उन्हें खाना वगैरह भी बनाने आता है तो मेरे लिए कभी कभी आराम हो जाता है। तो उन्हीं की सारी चीज़ें वो बता रही थी कि कैसे उन्हें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ रही है। मुझे नहीं पता मुझे आप सुन पा रहे कि नहीं, क्योंकि हवा चल रही है तो आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं, नो आइडिया। पीछे बैकग्राउंड ग्रीन ग्रीन वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। आओ बेबी, पता नहीं वहाँ पर जाकर बोलती बुलेट लवर्स के लिए, बुलेट की नॉइस मैंने सुना दी है, वैसे मैं बिल्कुल बुलेट लवर नहीं हूँ। कहाँ रह गई थी, कहाँ रह गई थी? कल अनिका के स्कूल में नवरात्रि पार्टी है, उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। नवरात्रि पार्टी क्या हुआ? अच्छा तुमने आज वो गलत पहना है, पैंट गलत पहना, इसलिए बेचारी ढंग से चला नहीं पा रही है, और मैंने भी इतना दिमाग लगाया नहीं। चलो थोड़ा चला लो, ठीक है, ज़्यादा मत चलाओ। तो अनिका का हो गया है साइकिल चलाकर, मेरा भी वॉक एंड टॉक हो गया है। जी हाँ, मैं इस समय जीने जीने मुझे फ़ोन करना होता उन्हें कर लेती हूँ एप्पल वॉच से, अभी घर पूछूंगी बताएगी। मेरी सांस पहले कुछ भूल गई है, चलो पहले घर चलते हैं, पैर भी दुख रहे हैं आज।
तो जी हाँ, अनिका का रूम ऑलमोस्ट रेडी है। कितने सारे मेरे व्यूवर्स रेडी है अनिका का रूम देखने के लिए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्विकली बताओ, अभी के अभी बताओ। काफ़ी अच्छा बना दिया है अनिका का रूम हमने, और अनिका अभी यहाँ पर सोने भी लग गई है। बहुत दिनों के बाद आप मुझे इस जगह पर देख रहे हैं ना, तो मैं आपको इतना सुंदर गजब का नज़ारा दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है। पता नहीं कैसे मैं इस मोमेंट को मिस कर रही थी, पर आज मैंने कैच कर लिया। लेट मी शो यू गाइज, वरना ये मोमेंट कहीं निकल ना जाए अंदर। सारे जो चिड़िया है अपने अपने घर जा रही है, सारे लोग भी अपने अपने घर जा रहे हैं। जी हाँ, रोड पर इस समय सब लोग ऑफिस से घर जाने की ही तैयारी करते हैं। वाह, सूरज बहुत प्यारा लग रहा है, पता है, बस इतनी सा रह गया अंदर जाने के लिए। नॉइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक कितनी बार मैं बोलूँ आपको कि अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जी हाँ, सूरज चाचू सो गए हैं और चंदा मामा एक्चुअली उठ चुके हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वहाँ पर आपको दिख पा रहे कहाँ गए चंदा मामा, कहाँ गए, आपको क्यों नहीं दिख रहे चंदा मामा, वेरी चंदा मामा। ये देखिए, ये देख पा रहे आप, तो वो है चंदा मामा और सूरज चाचू जा चुके हैं। और बस थोड़ा सा घर में काम चल रहा है, पता है आपको किस चीज़ का, चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ का सोफ़ा गायब है। यहाँ पर वो सिंगल सीटर सोफ़ा था, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कुछ हो रहा है। मिलेगी सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर पर्दे भी नहीं है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत जल्द मिलेगी। बहुत देर के बाद आपको मिल रही हूँ। सो ओके, सो मैं अनिका का जो ड्रेस है, जो वो कल पहन कर जाने वाली है, उसे निकालने वाली हूँ। ये देखिए, हमारे फूल पौधे सब यहाँ पर आ रखे हैं, क्योंकि घर में थोड़ा सा बदलम बदली का काम चल रहा है, जिसकी अपडेट आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, तो अनिका को कल मुझे नवरात्रि के लिए अच्छा एक ड्रेस पहनाना है। और आपको पता है ना, मैंने अनिका के लिए ये वाला ड्रेस लाया था। ये वाला व्लॉग याद है आपको, मैं गई थी मार्केट जन्माष्टमी की शॉपिंग करने, क्या गणपति क्या कुछ ऐसा ही है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बस आप एक मिनट रुकना, गिरना मत, बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वाला जो ड्रेस है, याद आया, इसे पहनाऊँगी। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ऐसे तो आपने देख लिया। सो काफ़ी कलरफुल है ये ड्रेस, बहुत ज़्यादा, और कंफर्टेबल भी काफ़ी है। मतलब ऐसा हेवी या बहुत ज़्यादा ऐसे चुभने वगैरह वाला नहीं है, तो आराम से अनिका कल पूरा दिन से पहन पाएगी। इसका दुपट्टा सबको याद ही है ना, वो ब्लॉग नहीं देखा था आपने, नहीं देखा तो लिंक ही ना डिस्क्रिप्शन, बाकी सारे कपड़े डाल दूँ मैं। इस साल हमने अनिका के लिए एक भी इतनी ड्रेस नहीं खरीदा। लास्ट ईयर तो विशाल की शादी हुई थी,
तो हमने मेरे भाई की, तो हमने काफ़ी सारे अनिका के लिए इतनी ड्रेस खरीदे थे उसके बाद दशहरा दिवाली में भी, बट इस साल मैंने एक भी इतनी ड्रेस उसके लिए अभी तक नहीं खरीदा क्योंकि लास्ट ईयर के ड्रेसेस से काम चल रहा है। लास्ट ईयर ओवर हो गए थे उसके पास क्योंकि शादी वगैरह की वजह से। उसके बर्थडे पर भी इनफैक्ट उसने इतने की पहना था, आपको पता है वो लहंगा पहनी थी। फ़ोटो मिला तो यहाँ पर लगा दूँगी। तो ये देखिए इसे रख देती हूँ, बाकी क्या थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर दूँगी, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर दूँगी, उसे बड़ा पसंद है, वैसे ज़्यादा नहीं करके दूँगी क्योंकि वो मेकअप सिर्फ आधा पौन घंटा रहता है, उसके बाद पता है ना बच्चे ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे करते कैसे कैसे करते सब वो हो जाता है। इस कमरे को ज़्यादा घूरिएगा मत क्योंकि कमरे की हालत मैं खुद ही बोल रही हूँ अच्छी नहीं है, क्योंकि सारा जो काम चल रहा है ना तो जितनी भी चीज़ें वहाँ पर नहीं रख सकते वो यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, वैसे ये बैकग्राउंड में बहुत प्यारा लग रहा है, वीडियो बनाती हूँ थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट देकर, है ना, बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए कल सुबह मिलती हूँ, गुड नाइट। और आज खाने में मैंने बनाई थी भिंडी, जी हाँ मेरी फेवरेट भिंडी टमाटर डाल के, वाह मज़ा आ गई थी, खुद ही बोल रही हूँ। आप बोलते होंगे क्या खुद ही खाती है, खुद ही बोलती है मज़ा आ गई अच्छी बनी, हमें क्या पता, है ना, होता है ऐसा कभी कभी, पर भिंडी कभी गलत नहीं बन सकती है। और ये दिवाली वाले जो कीड़े हैं ना ऑलरेडी आने चालू हो गए हैं, कैसे दिखाओ कैसे दिखाओ, वो देखिए देखिए ट्यूबलाइट के पास गया है, पंखे के पास चला गया है। तो जो दिवाली के धुएं से मरते हैं ये कीड़े, तब तक आपको हल्का फुल्का परेशान करते हैं। चलिए गुड नाइट। कुछ मेल्स मेरे पास हमेशा आते हैं कि दी हम ना लाइफ में आप ही की तरह कुछ करना चाहते हैं पर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें हम घर बैठे बैठे ही कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए ये बिज़नेस स्टार्ट कर ले। तो मैं आज आपको घर बैठे बैठे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप करने वाले बिज़नेस के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जिसका नाम है मीशो। मीशो के बारे में मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ, मीशो के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, मैं एक इवेंट पर भी गई थी। दोनों वीडियो की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चेक ज़रूर करिएगा। अब आप सोच रहे हो कि मीशो क्या है, तो मीशो एक रीसेलर ऐप है जो नंबर वन रीसेलर ऐप है इंडिया का। इसे बस आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर इसे ओपन करना है और ओपन करते ही आपको इस पर रजिस्टर कर लेना है। अब मीशो पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बेडशीट, औरतों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करके बेच सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पसंद आ रही है या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको दिख कर आ रही है, उस चीज़ को व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू आप शेयर कर दीजिए। और उसी के बाद अगर उन्हें वो चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर आपको करना क्या है, उनके लिए ऑर्डर प्लेस कर देना है। और आपको ये ऑर्डर प्लेस करते समय खुद का जो मार्जिन है वो सेट करना है। समझ लीजिए 200 रुपये की चीज़ है और आप उस पर मार्जिन लगाना चाहते हैं तो आप कितना भी उस पर मार्जिन लगा सकते हैं। अगर मैंने 100 रुपये मार्जिन लगाया तो वो चीज़ हो गई 300 रुपये की, मतलब 100 रुपये मेरा बेनिफिट। तो इस तरह से आप हर एक ऑर्डर पर अर्न कर सकते हैं। जो चीज़ें वहाँ पर आपको रीसेलिंग के लिए मिल रही है वो बहुत अफोर्डेबल है, तो आप आराम से किसी भी प्रोडक्ट पर 100, 200, 300 रुपये का मार्जिन लगा कर आगे बेच सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी काम है जो आप कर सकते हैं। कम से कम समय अगर आप लगाते हैं इस ऐप में तो भी आप 15,000 से 20,000 आराम से अर्न कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपना समय लगाते हैं इस मीशो ऐप में तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इतना अच्छा ऐप की जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेक करिए, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस मीशो ऐप को और अच्छा खासा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अर्न कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। मैंने देखिए ये जो ड्रेस आप देख सकते हैं ना स्क्रीन पर, इसे भी मीशो से खरीदा था जो कि मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिला है।
सो अनिका चली गई है स्कूल और काफ़ी एक्साइटेड थी अपने डांडिया पार्टी के लिए। और बच्चों को ये सब तो बड़ा पसंद आता है ना, रोज़ मैं उसे उठाती हूँ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तो थोड़ा सा तो परेशानी होती है, पर आज बस एक बार बोला उठ जाओ, तुरंत उठ गए, क्योंकि एक्साइटमेंट जो था स्कूल जाकर नवरात्रि सेलिब्रेशन का, तो बच्चों को ये सारी चीज़ें, बच्चों को क्या, हर किसी को ही अच्छी लगती है। सो सुबह मैं एक्चुअली गेट रेडी विद अनिका ऐसा कुछ आपके लिए शूट करने वाली थी, बट इतना पॉसिबल नहीं था सुबह के रूटीन में, तो नहीं किया। बट कैसी लग रही थी अनिका नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा, और क्या आपके भी बच्चों के स्कूल में ऐसा ही कुछ हुआ, और वो क्या पहन कर गए थे वो भी बताइएगा। और आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर मुझे टैग करके भी अपने बच्चों की पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे भी तो पता चले कि क्या क्या बच्चे बन कर गए हैं। और आज स्कूल के बाहर जो माहौल था ना, हर एक बच्ची हर एक बच्चा इतना सुंदरली क्यूटली तैयार होकर आए थे ना, कि मन नहीं कर रहा था कि वापस आऊँ, लग रहा था कि 10 मिनट वहीं पर खड़े होकर हर एक बच्चे को अच्छे से देखा जाए कि कौन कैसे बनकर आया है। और बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे, मतलब ऐसे जब तैयार हो जाते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं, और मतलब खुश हो गई मैं सुबह सुबह ये सब देखकर, बड़ा खुश हो गई। तो चलिए फिर ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई रियली होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आज मतलब नेक्स्ट व्लॉग में आप बहुत एक्साइटिंग सी कुछ चीज़ें देखने वाले हो, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर बहुत 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 सालों के बाद जा रही हूँ, क्योंकि जब से मुंबई आई हूँ ना तब से थोड़ा सा ये सारी चीज़ें नहीं के बराबर हो गई है। जब मैं गुड़गांव में रहती थी, मैं वहाँ पर 6 साल थी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी होती थी, हर दूसरे महीने पर होती थी, पर यहाँ पर जब से आई हूँ नहीं होती है। तो अभी आज वहाँ पर जाने वाली हूँ, जो ये चीज़ होने वाली है, कौन सी वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।